हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की रिक्वेस्ट आई है कि कैसे हम अलग अलग स्टॉक आइटम पर अलग अलग जीएसटी लगा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ एक और कमेंट है जो कि है एक हमारे व्यूअर का, उन्होंने पूछा टॉफी बिस्किट या इस तरह की चीज़ों का बिल कैसे बनेगा टैली पर। तो देखिए बड़ा आसान है, आप सीधा वाउचर में जाइए और यहाँ पर जो भी एंट्री करनी है उस पर एंट्री कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम अभी परचेज में हैं, F9 प्रेस करके आ गए हैं परचेज में, और यहाँ पर हमको एक सप्लायर द्वारा इनवॉइस नंबर मिलेगा, ठीक है। तो वो इनवॉइस नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया, एंटर किया, फिर यहाँ पे वो डेट आएगी जिस डेट पर हो रही है परचेजिंग, और यहाँ पर किससे आपने परचेज किया है, लाइक यहाँ पर उनका नाम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, लोकेश होल सेल सप्लायर, होल सेल सप्लायर। तो ये हमने कर दिया इस तरीके से सप्लायर, ठीक है। अब ये एंटर किया, एंटर किया, ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में, क्रेडिटर ही होगा यहाँ पे। तो ये क्रेडिटर करके एंटर करिए, एंटर करिए, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर अगर डिफरेंट स्टेट की बात आएगी तो आप यहाँ पे स्टेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यूपी का कोड जो होता है ना वो 9 होता है, जीएसटी लगाएंगे तो यूपी का जो कोड होगा 9 होगा। इसी तरीके से अलग अलग स्टेट का अपना अलग अलग कोड है, ठीक है। एंटर करिए, एंटर करिए और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, तो ये एक एंट्री हमारी पास हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इनका जीएसटी आईएन आएगा, बाकी यहाँ परचेज अकाउंट का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेम ऑफ स्टॉक आइटम, तो वही मैं ले लेता हूँ टॉफी, तो यहाँ पर टॉफी कर देता हूँ, ठीक है। एंटर किया, एंटर किया, यहाँ पर टॉफी बिकेगा तो किस में बिकेगा, नंबर्स में बिकेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप परचेज करके लाते हैं तो आपको डब्बे में मिलता है, पैकेट में मिलता है, तो आप पैकेट भी यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो पैकेट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर ये पैकेट कर देंगे आप। अच्छा, ये पैकेट में रहेगा तो यहाँ पर कंपाउंड यूनिट यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आ रही है बात। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने टॉफी खरीद के लाया और एक टॉफी की कीमत क्या पड़ी, इस तरीके की चीजें डालनी है, तो यहाँ पर सिंपली आप एनओएस कर सकते हैं, यानी नंबर्स, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, बनाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एनओएस है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए अलग से जीएसटी लग रहा है, ठीक है। एक एक चीज पे जीएसटी लागू है, तो ये हो जाएगा। और यहाँ से आइएगा टैक्सेबल करके, और यहाँ पे मान लीजिए इस पर 10% का टैक्स लागू है, ठीक है। तो यहाँ 10% कर दिया और एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 10% लगाया है, ठीक है। अब ये टॉपी पे 10% लगा रहा हूँ, और ये किस गोडाउन में रखेंगे, तो गोडाउन भी मैंने बताया था, तो ये साकेत नगर गोडाउन में रख देते हैं, ठीक है। कितना रखते हैं, 1000 अमाउंट का रख देते हैं, ठीक है। और एक की खरीद रेट क्या पड़ी, 2 रुपए का एक पड़ा, तो इस हिसाब से ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जैसे दूसरे पे कैसे लेते हैं, तो कल मैंने बताया था आपको ये अल्टसी करके यहाँ पर एक स्टॉक आइटम और बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या बना लेते हैं, नमकीन कर देते हैं, नमकीन, ठीक है। तो ये हो गया नमकीन, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पर ये बिकेगा तो ये पैकेट्स में बिकेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक नमकीन बिकेगा, 2 बिकेगा, तो ये पैकेट्स में बिकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अल्टसी करके यहाँ पर एक और यूनिट बना देंगे, क्या पीकेटी कर देते हैं, पैकेट, ठीक है। और यहाँ पे पी ए सी के ई टी कर देंगे, पैकेट, और यहाँ पर पी जैसे ही प्रेस करेंगे तो पैक्स, पैकेट, ये सब आएगा, तो पैक्स कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब कोई ऐसा था नहीं कि 1.5 पैकेट 2 पैकेट खरीदेगा, तो इसलिए ऐसे करके एंटर कर दीजिए। और यहाँ पे फिर अलग से, अब दिखाने के लिए सिर्फ मैं यहाँ पर अलग से एक जीएसटी और दे देता हूँ, वो क्या है, 28% कर दूंगा, ठीक है। ये आए, ये 28% कर देते हैं, ये 28% हो गया यहाँ पे, तो 14-14 के हिसाब से ये डिवाइड हो जाएगा। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब ये किस गोडाउन में, तो वही साकेत नगर गोडाउन, एक ही गोडाउन है हमारे पास। आप चाहे तो और भी बना सकते हैं यहाँ से जाके, यहाँ से मुझे समझ लीजिए मैंने बना लिया न्यू कॉलोनी, न्यू कॉलोनी, एक और गोडाउन बना दिया, एंटर किया, एंटर किया, और ये किसके अंडर जाएगा, देवरिया गोडाउन के अंतर्गत जाएगा। ये कर दिया हमने, हम न्यू कॉलोनी में कितना रखा है, तो मान लीजिए कि 500 पैकेट, 500 नमकीन के पैकेट्स रखे हुए हैं, और एक की खरीद रेट 4 रुपए है, बेचेंगे 5-6 रुपए का, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे जीएसटी लगाएंगे, तो जीएसटी कैसे, तो यहाँ पे जीएसटी का लेजर पहले से मैंने बना रखा है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, तो ये देखिए सीजीएसटी आ गया और ये एसजीएसटी आ गया। अब कैसे पता करें कि ये कितना परसेंट लगा है, तो घबराइए नहीं, यहाँ से जाइए, यहाँ से जाइए, और यहाँ पे आप नरेशन डालना मत भूलिएगा, वैसे डाल दीजिए नरेशन, एंटर किया, तो ये हो गया। तो ये तो एक बिल हो गया परचेज का, जो आपको सप्लायर से मिलता है, ठीक है। तो ये आपने कर दिया, लेकिन अभी समस्या ये है कि हमको उस परचेज के बिल पर कहाँ पर दिखेगा कि कितना परसेंट टैक्स अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर आते हैं एक बार, इसको अल्ट पी करते हैं, एंटर करते हैं, और यहाँ से आई प्रीव्यू के लिए आई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट कर रखा है, यहाँ पे बिल पे जब आइएगा तो इस पर 10% का जीएसटी लगा हुआ है, इस पर 28% का। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है, अगर आपके में ये नहीं होता है, तो आपको करना क्या है, टैक्स ना दिखे तो क्या करना है, तो अल्ट पी जैसे ही आप करिएगा और एंटर करिएगा,
तो यहां पे कॉन्फिगर आएगा, तो जैसे कॉन्फिगर पे आएंगे ना तो नीचे आपको दिखाई पड़ेगा ये स्टेटरी डिटेल्स जो है, यहां पर यस करिएगा और यहां पे देखिए लिखा हुआ है शो जीएसटी इन परसेंटेज, तो अगर परसेंटेज में जीएसटी रेट देखना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं, और अगर जीएसटी का टैक्स एनालिसिस देखना चाहते हैं तो यहां पे इसको यस कर सकते हैं, तो यहां पे यस कर देंगे तो नीचे जीएसटी का टैक्स एनालिसिस भी दिखाएगा, तो यहां पे देखिए यहां पे नीचे दिखा रहा है ये, देखिए नीचे यहां पे जब नीचे आइएगा ना तो यहां पे देखिए ये सब दिखा रहा है 2000 वैल्यू पर 5% फिर 5% सीजीएसटी या 5% एसजीएसटी पूरा एनालिसिस करके दिखाएगा, एक एक चीजें दिखाएंगी, तो ये तो बहुत आसान है। अब इसमें क्या है कि जैसे प्रिंट जैसे ही हम करते हैं तो यहां पर देखिए अल्ट पी प्रेस करेंगे प्रिंट करने के लिए, यहां पर आएंगे और यहां पे अल्ट पी प्रेस करेंगे, तो जैसे ही अल्ट पी करेंगे और एंटर करेंगे तो यहां पर जो प्रिंट आउट दिखाएगा बिल का, जैसे ये बिल है हमारा और यहां पर ये दिखा रहा है कि 10% और 28% टैक्स लगा है, तो जो अलग से जीएसटी लगाई गई वही लगा हुआ है इस पे, तो क्या जो बाय डिफॉल्ट जीएसटी लगा दी गई वो इस पे नहीं शो करेगी? तो अगर किसी प्रोडक्ट पे बाय डिफॉल्ट आप जीएसटी लगाते हो तो वो भी शो करेगी। तो देखिए कैसे, यहां पर तो ये दो प्रोडक्ट हो गए, यहां पर आते हैं एक और प्रोडक्ट हम बना लेते हैं, अब इस पे कोई अलग से जीएसटी नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है? तो यहां पर देखिए, यहां पर मैं लिखता हूं लाइक सपोज कीजिए सोप एस ओ ए पी, अब इस पे मैं कोई अलग से जीएसटी नहीं दूंगा, ठीक है? अब ये किस में जाएगा, ये जाएगा एनओएस में नंबर्स में, और यहां पर कोई अलग से जीएसटी नहीं दे रहा हूं, देखिए बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, ठीक है? अब ये हो गया, अब यहां पर ये किस गोडाउन में रखेंगे हम, तो यहां पर हम न्यू कॉलोनी गोडाउन बना रखा है, अभी बनाया है तो उसी में रख देते हैं, और यहां पे 100 पीसेस इसके रख देते हैं साबुन के, ठीक है? और एक का रेट खरीद रेट क्या पड़ा 8 रुपए, 10 रुपए का बेच देंगे, ठीक है? तो ये हो गया। अब इस पे भी तो जीएसटी लगा हुआ है, लेकिन कितना लगा हुआ ये पता करने के लिए अल्ट पी करेंगे, एंटर करेंगे और आई बटन प्रेस करेंगे। तो अभी चलते हैं देखते हैं सोप पर कितना परसेंट जीएसटी लगा है। तो देखिए सोप पे कितना लगा हुआ है 5%, तो 5% तो पहले से बाय डिफॉल्ट मैंने लगा रखा था तो वो आ गया, ठीक है ना?